नमस्कार दोस्तों, आज 3 अगस्त 2024 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज के प्याज के क्या बाजार चले, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों आपने मेरी सुबह सब्जी की वीडियो भी देखी होगी और अपना टमाटर की भी वीडियो देखी होगी। सारी सब्जियाँ मंडी में बहुत ज़्यादा कम आई, क्योंकि एक तो पीछे यहाँ पर माल ज़्यादा आ रहे थे और व्यापारियों का अटक गए, साथ में जो दिल्ली NCR में, हरियाणा में, पंजाब में जो बरसातें हुई इसके कारण सब्जी हो गई कम और सब्जी हो गई तेज। टमाटर भी आज तेज हुआ, सब्जियां भी तेज हुई, इसका असर अब प्याज पे भी दिखेगा। क्योंकि कल देखो मंडी में कितनी गाड़ियां थी, आज मंडी में बहुत ज़्यादा गाड़ियां आई, इन भाई साहब के पास भी एक गाड़ी आई और वैसे मंडी में आज गाड़ियाँ कम है। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी, कहाँ कहाँ की बिक्री चली। बस आपको हौसले से माल बेचना है, डर के घबरा के कोई आपको घबराहट नहीं पैदा करनी, क्योंकि मार्केट में कुछ तत्व ऐसे हैं जो घबराहट पैदा करना चाह रहे हैं इस समय। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला, क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के रेट हैं। चलिए जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी से। भाऊ जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, सर नमस्कार जी। भाऊ जी आज की क्या रिपोर्ट है जी, कहाँ कहाँ के माल है जी, बिक्री कैसी चली, कल से माल कम है ज़्यादा है जी। बैठो जी आपको बताता हूँ। हाँ जी सारी बात बताता हूँ। देखो जी अराइवल आज कल से ज़्यादा है। अच्छा जी, कल 26 गाड़ी की ताज़ी अराइवल थी लेकिन आज 40 गाड़ी है। रौनक तो मंडी में बहुत कम है जी, लेकिन शनिवार का दिन है आज। अच्छा जी, अराइवल 40 गाड़ी है, नीचे ऊपर मिला के कुल 78 गाड़ी ही है, क्योंकि कल जो 26 गाड़ी आई थी और परसों की जो खड़ी थी वो सब मिला के कल भी इतना ही माल था। अच्छा जी, लेकिन कल परसों से कल माल मतलब पीछे दो तीन दिन बिक्री बहुत कम रही है, दो दिन 25-25, 26-26 गाड़ी माल बिके हैं परसों नरसों। अच्छा जी, लेकिन कल 40 गाड़ी माल बिका है। वाह जी, और बाद में बिक्री खुल गई जी। हाँ मतलब कल माल ऐसा था, कल जल चढ़ गया ना। हाँ जी, तो कल ग्राहकी और पीछे मतलब पीछे दो तीन दिनों से जो ग्राहकी रुकी हुई थी, कल से ग्राहकी कल अच्छी थी। अच्छा, ग्राहकी थोड़ा स्लो दिख रही है लेकिन आज भी ग्राहकी ठीक रहेगी, माल बिकेंगे। आज तो सारी सब्जियां टमाटर सब तेज हो गया जी। देखो जी यहाँ भी माल बिकेगा, ग्राहक आपको अभी कम नजर आ रहा है क्योंकि कल जल चढ़ा है, अभी थोड़ा सा लोग थके मांदे होंगे, आएंगे थोड़ा लेट लतीफ आएंगे, माल आज भी बिकेगा। आज भी मेरे ख्याल कम से कम 50 गाड़ी आज भी माल बिकेगा। अच्छा, 40 बिका है, आज कम से कम आज 50 गाड़ी माल बिकना चाहिए। वाह जी वाह, वाह जी। और जो बिक्री खुल गई तो है 78 गाड़ी बताई जी टोटल। टोटल 78 गाड़ी है, अगर ज्यादा बिक जाए तो फिर बैलेंस ही क्या रह जाएगा। एक दिन का भोजन है जी, जो खुल के बिक्री हो जाए। हाँ, अगर खुल के बिक्री हो जाए तो कोई खास थोड़ी है, 50-60 गाड़ी तो अमूमन बिक्री हो जाती है, लेकिन फिर भी आज अभी क्योंकि कल जल चढ़ा है, आज लोग थोड़ा थके मांदे होंगे, कुछ लोग आएंगे कुछ नहीं भी आएंगे, दोनों बातें हैं, सब ने ढोल बाजे बजाए कल। हाँ जी हाँ जी, तो इस वजह से फिर भी लेकिन 50 एक गाड़ी माल तो आज बिकेगा। अच्छा जी, कल 40 गाड़ी माल बिका है। अच्छा जी, आज 40 गाड़ी में से एक गाड़ी अफगानिस्तान भी है। एक गाड़ी अफगानिस्तान जी। अफगानिस्तान है, वैसे वो आई कल थी। अच्छा जी, लेकिन वो काउंटिंग में आज में आई है क्योंकि वो कल लेट आई थी। तो आप मेरा याद रहा, उसके कम से कम 2-4 प्याज तो मंगा के रखते जी, कैसा है प्याज जी? देखो जी वो प्याज तो ठीक है, प्याज लाल प्याज है, लेकिन वो कट्टे में 1-1.5 किलो दागी है। वो भी? हाँ, 1-1.5 किलो दागी पहुंचा हुआ। एक्चुअल क्या है वो फिर आपको बता दूं आपके व्यूवर्स के लिए, जानकारी के लिए, कि उससे कोई घबराए नहीं, घबराहट ना पैदा हो जिससे, कि वो अफगानिस्तान के थ्रू आई है, क्योंकि पाकिस्तान से हमारा व्यापार तो है नहीं, बेचा आई है अफगानिस्तान के थ्रू ही, लेकिन एक्चुअल ये क्रॉप जो है ये पाकिस्तान की है, ये बॉर्डर के, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से किसी ने लेके अपना वहाँ से भेजा होगा, एक्चुअली अफगानिस्तान की क्रॉप नहीं, ये फसल प्याज जो है ये पाकिस्तान की है। अच्छा जी, तो उसमें भी 1-1.5 किलो दागी है, मेरे ख्याल से शायद वो 20-22 रुपये बिकेगी, 25 रुपये शायद, 25-25.5 रुपये कल बोल रहे थे, 1000-1050 बोल रहे थे, लेकिन शायद मेरे ख्याल से बिकी नहीं कल वो। अच्छा जी, वो मेरे ख्याल 20-22 रुपये शायद बिकेगी। इतना सस्ता जी है भाई साहब, 1-1.5 किलो दागी है वो, अभी वो नई प्याज बता रहा हूँ, वो पाकिस्तान की प्याज है, वो अफगानिस्तान वाली प्याज नहीं है। जैसे हमारा प्याज ये बांग्लादेश वाले लेके और आगे अपने पड़ोसी देशों जैसे म्यांमार है, बर्मा है, इनको सप्लाई कर देते हैं पड़ोसी देशों को, तो ऐसे अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान से, तुम्हारा व्यापार है नहीं, बंद है, तो अफगानिस्तान वाले ने किसी ने अपना वो पाकिस्तान बॉर्डर के इलाके से अपना वहाँ से प्याज लेके अपना वहाँ से अफगानिस्तान के नाम से भेज दिया, तो वो एक गाड़ी वही आई है,
अभी भी बिकी नहीं है। एक्चुअली ये गाड़ी गिनती में आज गई, लेकिन ये कल की आई हुई है। अच्छा, और अभी बिकी नहीं है। अब आप इतने से अंदाज़ा लगा लो, तो उससे कोई घबराने, ये रिपोर्ट में है, लेकिन इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग घबराएं नहीं, कहने को यानी उसके जो उसको 22 रुपए प्याज बिक रहा, उससे हमारा चोपड़ा भी बढ़िया, खाद चोपड़ा उससे बढ़िया टेस्ट भी है और स्वाद भी है जी उसमें। देखो जी, वो है, वो भी नई फसल है, नई प्याज ही है, लेकिन फिर भी जो हमारी प्याज की बात ही कुछ और है, टेस्ट अलग है जी। हाँ जी, यहाँ तो हमारा तो आप समझो, हमने कल भी गाड़ी हमारे पास जो एमपी की गाड़ी थी, हाँ जी, उसकी गिरी हमने बेचा है 750 रुपए से लेके और 821 रुपए तक, 850 रुपए तक। अच्छा, गिरी बिक जाती है। गिरी मतलब जो यही जो जिसपे ये पत्ती पुत्ती नहीं होती काली, जो मतलब जो ग्रेडिंग करके चाट में निकालते हैं, जो काली वाली प्याज पड़ जाती है। अच्छा जी, दागी टाइप हो जाती है वो वाली प्याज, उसको गिरी कहते हैं। पत्ती नहीं रह जाती, काली हो जाती है। ठीक है जी, उसको गिरी कहते हैं, गिरी चोपड़ा जिसको बोलते हैं। तो उस टाइप की प्याज 750-850 तो वो बिक रही है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इन रेटों में वहाँ की प्याज नहीं आएगी। वो एक गाड़ी आ गई कि अगर ये, हाँ अगर ये यहाँ 25-26 रुपये 27 रुपये बिक जाती, तब तो हो सकता था कि वो प्याज आने के कुछ चांस बनते। अच्छा जी, लेकिन इन भाव में प्याज अगर वो 25 रुपए से नीचे 20-22 रुपए पे प्याज बिकेगी भी, तो वो प्याज वो आएगी नहीं। ट्रायल फैल गया जी बस। नहीं, वो तो अभी तो एक्चुअल तो अफगानिस्तान के भी क्रॉप निकली ही नहीं है। आपको पहले ही बताया था, ये एक्चुअली पाकिस्तान के बेल्ट की प्याज है। ठीक है जी, पाकिस्तान के एरिया की प्याज है, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई घबराहट कहीं कोई नहीं है। ना पीछे नासिक वगैरह की मंडियों में कहीं कोई अराइवल का कहीं कोई प्रेशर है, ना कोई मार्केट कोई कहीं कोई डाउन है। 25-50 पैसे जो लोग देखते हैं रिपोर्टों में अप डाउन पीछे, वो क्वालिटी का फ़र्क होता है। किसी मंडी में 29 रुपये बढ़िया लाट कोई बढ़िया नग बिक आ जाता है तो वो 29 रुपये बिक जाता है। किसी मार्केट में हल्के माल आए हुए होते हैं तो वहाँ 28-28 ही रह जाता है। फिर ये तो आपने बढ़िया खबर दी जी, भी कल जो है 40 गाड़ियाँ बिकी और आज तो शनिवार है, ज़्यादा ही बिकेगी। हाँ, मौसम साफ है जी आज। हाँ जी, मौसम भी साफ है, 50 गाड़ी माल बिकना चाहिए, आज बिकेगा 50 गाड़ी माल। अच्छा जी, और माल भी कोई खास नहीं है, नीचे ऊपर मिला के तो रेट में थोड़ा सा 54 का फर्क पड़ेगा जी कुछ, या उठाव होगा। देखो जी, अच्छे माल तो अच्छे रेट में ही बिक रहे हैं, पहले भी अभी बिक रहे हैं। आप पूना के माल कल परसों भी 35 रुपये तक बिका है, लेकिन वो बिकते वही हैं जो मासा खोर लेते हैं। ठीक है, वही बिकते हैं जी, 33-35 रुपए के बीच में मांसाखोरी माल बिक रहे हैं। 25 पैसे का उछाल हो जाते हैं ना, ग्राहक ढूंढ के सौदा मांगते हैं। देखो जी, अभी उछाल की उम्मीद तो हम किसी को नहीं देंगे, झूठी रिपोर्ट किसी को नहीं देंगे। 54 तो दे दो, 54 की तो दे दो जी। ये 54 भी सरकार ने बंद कर दी। 25-50 नहीं, बंद सरकार ने बंद, तो 54 तो बंद हो चुकी है जी, अब तो 58 रुपया चलता है, 54 तो बंद है जी। तो रुपये अठाने का अप डाउन तो कभी भी हो सकता है, ये कोई कुछ नहीं है, तो कहने की कोई बात ही नहीं है। ये तो कभी भी हो सकता है कि सोमवार, अगर जैसे अभी इस समय अराइवल, अगर मान लो सोमवार को ऐसे 40-50 गाड़ी ही आई, तो 1 रुपये का उछाल सोमवार ही आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ टाइट रह सकती है, ये अराइवल के ऊपर है, लेकिन वैसे एक्चुअल माहौल को देखते हुए मार्केट जैसे स्टेबल चल रही है, अभी ऐसे ही 10 दिन कम से कम और चलेगी। 10-15 दिन वहाँ पर घबरा गए जी आपकी मंडियों में, जैसे अपना महाराष्ट्र की जो मंडी है नासिक वगैरह, वहाँ भी कोई घबराहट नहीं भाई साहब। परसों भी कमेंट आ रहे थे, कह रहे 1-2 रुपया बाजार टूट गया जी, वो कहाँ टूटा है कहीं नहीं, जिसने भी बताया गलत रिपोर्ट दिया आपको, कहीं कोई मार्केट नहीं टूटी है। नासिक की मंडियाँ सब 25 रुपये से लेके 29 रुपये तक सारी मंडियाँ स्टैंड है। अच्छा जी, और ये स्टैंडिंग चल रही है आज से नहीं, 15-20 दिन से सेम मार्केट चल रही है। ठीक है, जैसे यहाँ मार्केट बिल्कुल स्टैंड है, यहाँ स्टेबल है, वैसे पीछे भी मार्केट सब जगह स्टेबल है। अच्छा, यही पोजीशन एमपी भी है, एमपी भी वही लगभग ऊपर में 27-28 रुपए तक माल बिक रहे हैं, वहाँ भी स्टेबल है, मार्केट सब जगह स्टेबल है, और स्टेबल भी ऐसे ही मार्केट अभी 10-15 दिन ऐसे ही निकलेगा। अच्छा, क्योंकि ये बरसात की वजह से अभी तक जैसे इधर कांवड़ का असर चल रहा था, अभी बरसातें भी कई जगहों पर, उत्तराखंड आपका, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इधर ये बरसातें भी बहुत हैं, रास्ते कई जगह के बंद हैं, तो आपके हरियाणा राजस्थान भी बरसात ठीक ठाक है, कुल मिला के बरसात का असर है। इस वजह से अभी ये 10-15 दिन ये बरसात का, इधर इस समझो नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में, मिडिल इंडिया में ये रहेगा, जैसे तो मार्केट स्टैंड ही ऐसे जैसे चल रही है, लगभग ऐसे ही चलेगी, 10-15 दिन अभी ऐसे ही रहेगी मार्केट। जैसे आज सब्जियाँ तेज हुई, मुझे लगता है आलू पे भी थोड़ा सा, इसे प्याज पे असर आएगा।
जब सब्जी तेज होती है तो आलू प्याजी की सब्जी बन जाती है। देखो जी, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वो बात ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि अगर सोमवार भी ऐसे जैसे इस हफ्ते अराइवलें रही, अगर सोमवार भी अराइवल ज़्यादा नहीं रही तो रुपये अठाने सोमवार ही तेज हो जाएगा। तो लेकिन वो उसको वो अस्थाई तेजी उसको नहीं कहा जा सकता ना। फिर अगर 10-20 गाड़ी फालतू आ गई, लोडिंग आ गई, तो फिर अपनी जगह पे ही आ जाएगी। तो कुल मिला के मार्केट जो चल रही है, यही मान के चले, वो कभी अराइवल की अब तेजी मंदी एक आध रुपये उठाने की कभी भी मिल सकती है, एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी 10-15 दिन लगभग मार्केट उम्मीद है ऐसे ही चलेगी। इसके बाद इधर बरसात का क्या असर रहता है और साउथ बरसात का क्या असर रहता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये आने वाला एक महीना अब एमपी के ऊपर डिपेंड होगा। अभी एमपी के माल कितने निकलते हैं, जैसे खबरें आ रही कि एमपी के माल खराब हो या थोड़े। देखो जी, अभी तो जितना एमपी मंडी के इस मंडी के अंदर आ रहा है, 90% एमपी का माल हल्का ही आ रहा है। कोई 5-10% माल ही, कोई एक गाड़ी में से 2 लाट 3 लाट कोई अच्छे निकलते हैं, बाकी ज़्यादातर माल सब हल्के भारी ही आ रहे हैं। ठीक है जी। और वो इसीलिए सब मार्केटें सब जगह सब वो स्टैंड है। राजस्थान देखो, राजस्थान के अराइवल के राजस्थान में माल ज़्यादा है नहीं इस समय भी। ये जो आप 7 गाड़ी आज की ताजी आज की जो अराइवल है वो भी बता दूं आपको, आज एक्चुअल 12-13 गाड़ी नासिक की हैं, 8 गाड़ी पूना है, 7 गाड़ी राजस्थान है और 11 गाड़ी एमपी है। तो 7 गाड़ी राजस्थान में, इसमें भी ज़्यादातर माल ये अजमेर का थावला साइड का है। अच्छा जी। और ये सब टेम्पू यही होते हैं, 12-13 टन 14 टन 15 टन ऐसे ही होते हैं, ये बड़ी गाड़ी नहीं होती है। तो ये 7 गाड़ी जो, क्योंकि राजस्थान में कुछ आमन वाले बेल्ट में ज़्यादा प्याज है ही नहीं, अब जो कुछ है एमपी के ऊपर है। एमपी की क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी वहाँ किसान ने रोका है या कम हो गया है या ऐसे ही रहेगी। अगर मान लो एमपी ने कोई रंग नहीं दिखाया, जैसे चल रहा है, अगर इतने ही अराइवल वहाँ आती रही तो आगे आने वाले टाइम में मार्केट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है 10-15 दिन बाद। लेकिन अभी 10-15 दिन लगभग मार्केट ऐसे ही चलेगी और कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई मंदा नहीं आ रहा है ना, अभी कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी आ रही है। कुछ डिपेंड करेगा एमपी के ऊपर और कुछ डिपेंड करेगा साउथ की क्रॉप के ऊपर। अभी एक महीना एमपी के ऊपर है और आने वाला एक महीने के बाद जो है साउथ के ऊपर है। साउथ के ऊपर है। ठीक है जी। हाँ, और अभी जो सरकारी माल है वो भी लगभग मेरा ख्याल है इसी अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है वो भी निकलना चालू हो जाए। तो इसलिए मार्केट में कोई बहुत अप डाउन होने वाला नहीं है। ठीक है। और ना कोई घबराने वाली बात है। ठीक है जी। हम तो यही कहेंगे एमपी वालों को, खास तौर से कहेंगे, भैया तुम्हारे मालों में क्वालिटी है नहीं और आप इसका रोक रोक के इसका जूस और मत निकालो, इनको तो निकालते रहना चाहिए, इनको नहीं रोकना चाहिए। ठीक है जी। बाकी नासिक वगैरह की, नासिक में क्वालिटी ठीक है, वहाँ तो देखो जैसे अराइवल चल रही है वैसे ही आ रही है और मेरे ख्याल वहाँ ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा भी नहीं, कुछ वहाँ जैसे आ रहा है ऐसे ही आएगा। ठीक है। तो कोई प्याज में कोई घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी किसी घबराना नहीं चाहिए। जिसको निकाला, हाँ ये जिसको जिनकी निकालने वाली प्याज उनको निकालते रहना चाहिए। ठीक है जी। बाहर से भी कोई अभी घबराने की जरूरत नहीं? नहीं नहीं नहीं, बाहर से कोई घबराने वाली बात नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी ये जो एक गाड़ी आई है इससे तो बिल्कुल नहीं घबराना है, ये एक्चुअली अफगानिस्तान की प्याज भी है। ठीक है जी। और अफगानिस्तान की प्याज भी तभी आएगी, या आप समझ लीजिए, जब वो यहाँ 25-30 रुपये बिके तब उसका आने का चांस बनेगा, और उसका 25-30 रुपये बिकने का चांस तब बनेगा जब इंडियन प्याज 50-60 रुपये बिकने लग जाए। ठीक है। अगर ये यहाँ हमारे यहाँ की प्याज, यहाँ प्याज की शार्टेज हो जाए, यहाँ 50-60 रुपये का रेट हो जाए, तब उसका आने का चांस बनेगा। तो उससे हमें फर्जी जल्दी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रेशर है लोगों के ऊपर, जो मानसिक एक्चुअल जो मानसिक दबाव है लोगों के ऊपर, वो साउथ का है। ठीक है। अभी तक वहाँ की क्रॉप ठीक है, वहाँ कोई नुकसान नहीं है, फसल ठीक है, थोड़ा बहुत छुटपुट 1,500 कट्टे मंडियों में थोड़ा बहुत आने भी लग गए हैं वहाँ की कुछ मंडियों में। आने वाले 10-15 दिन बाद 2,000-4,000-6,000 कट्टे भी आने चालू हो जाएंगे। वो तो अपनी खपत है जितनी, तो इससे ज़्यादा तो वही कह रहा हूँ कि अभी ये अगस्त तो अभी उसका भी कोई प्रेशर नहीं आने वाला है, उसका भी साउथ का भी प्रेशर। अगर भाई फसल सही सलामत निकल गई तो अभी सितंबर में ही उसका प्रेशर बनेगा। ठीक है जी। जी चलो जी, एमपी वालों को घबराने वाली बात नहीं, एमपी वालों के लिए स्पेशल संदेश है कि एमपी वाले तो जो हल्का माल है इसको निकालते तो निकालते रहना चाहिए, क्योंकि इनके अभी तक जो यहाँ माल जो आ रहा है, जो हम उसकी कंडीशन देख रहे हैं उसके हिसाब से इनको माल निकालते रहना चाहिए, इनको तो नहीं रोकना चाहिए। ठीक है जी। जबरदस्ती आने की कोई फायदा नहीं है, इनको तो निकालते रहना चाहिए। ठीक है जी। बाकी घबराने वाली भी कोई बात नहीं है।
तो आज के रेट और कल के रेट सेम ही है जी? सेम ही, बिल्कुल सेम ही रेट है जी, रेट में कोई अंतर नहीं है, सब वही मेन वही चलो 25 रुपए से लेके 35 रुपए के बीच में सारी प्याजी बिक रही हैं। राजस्थान बिक रहा है समझो आप 27 रुपए से लेके और 32-33 रुपया, ये जो थाला वाली प्याजें हैं, ठीक है जी, और जैसी प्याजें वैसा भाव है। ज़्यादा माल जो बिक रहा है वो जो थोड़ा ठीक ठाक प्याजें हैं वो सब 1200 से 1300 के बीच में बिक रही हैं, 30-32 रुपया, 33 रुपया। नासिक बिक रहा है 30 रुपए से लेके 32-33 रुपया, पूना बिक रहा है समझो 32 रुपए से लेके 31-32 रुपए से लेके और 35 रुपए तक, ठीक है जी। एमपी बिक रही है, एमपी बिक रहा है 24-25 रुपए से लेके, जैसे माल हैं 24-25 रुपए से लेके 31-32 रुपए तक, वो उसमें भी जो एमपी में जो अच्छे लाट आ रहे हैं वो 1200, 1250, 1300, कोई बहुत सुपर आ जाए 1300 भी बिक सकता है। भाऊ जी आपने इसमें एंट्री कब करी थी जी प्याज के काम में? भाई साहब प्याज के काम में हमने एंट्री की थी सन 1983 में। तो हिसाब किताब आप लगा लो 40-41 साल तो हो ही गया। 40-41 साल हमारी दाढ़ी मूंछों की जी हल्की हल्की रेखाएं आ रही थी जब हम मंडी में घुसे थे। अच्छा जी, हाँ जी, लड़के ही थे उस समय जी। हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा, चलो तजर्बा होता है जी। हाँ, और साउथ में आप सारे में घूमे जी इन मंडियों में? नहीं मैं घूम नहीं उधर वैसे तो घुमा हुआ हूँ, लेकिन इस साल तो नहीं, ऐसा नहीं है कि इस बार गया हूँ। अच्छा जी, लेकिन रिपोर्टें तो मिलती रहती हैं हर जगह से, पार्टियाँ तो हैं उनसे बातचीत होती रहती है। अच्छा जी, अच्छा, तो रिपोर्टें तो हर जगह की मिलती रहती। और फिर ये बिनचूर में कैसे खोली थी जी मंडी? बिनचूर में बता रहा हूँ, बिनचूर अब तो हमारी वहाँ नासिक में दो जगह है ना। अच्छा, बिनचूर में भी है और अभी एक इसी 7 जुलाई को एक नई मंडी वहाँ खुली है, प्राइवेट मंडी खुली है लेकिन अच्छी जगह है, हीवर गांव। अच्छा जी, वहाँ माल की क्वालिटी अच्छी आती है। अच्छा, तो आपने वहाँ पर भी माल बेचा जी कभी मंडियों में? नहीं वहाँ हम माल वहाँ मंडी में माल किस लिए बेचेंगे, वहाँ से तो माल हम लोग परचेज ले करते हैं ना। अच्छा जी, वहाँ तो किसान का माल आता है ना, वहाँ पर वो तो किसान का माल है तो वहाँ किस लिए बेचेंगे। अच्छा जी, वहाँ से तो माल बाकी ऑल ओवर इंडिया जाता है, नासिक तो एक ऐसा महाराष्ट्र एक ऐसा सेंटर है कि ऑल ओवर इंडिया सप्लाई जाती है। ठीक है जी, वही एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पूरा पूरे हिंदुस्तान को जो प्याज खिलाता है। ठीक है जी, अब उसके टक्कर में अभी एमपी खड़ा हो गया है। एमपी की क्षेत्र ज़्यादा बड़ा हो गया ना जी? हाँ, एमपी का क्षेत्र, एमपी तो मेरे ख्याल से शायद एमपी का कोई एक आधा दो जिला बाकी हो तो बाकी हो, नहीं तो पूरे एमपी में प्याज होने लग गई। जमीनें तो, प्लेन हो गई अब वहाँ, मशीनरी युग आ गया। मशीनरी युग आ गया, जमीनें भी हो गई और फिर अब थोड़ा सा जब से वहाँ थोड़ा सा ये जगह जगह डैम वगैरह की गवर्नमेंट ने बनवा दिए ना, तो इससे क्या है कि पानी की जो पहले ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो अब कम हो गई। ठीक है जी, एमपी में पहले पानी की वहाँ शॉर्टेज पड़ जाती थी, आगे दिक्कतें आती थी लोगों को, लेकिन अब वहाँ पानी की उतनी प्रॉब्लम नहीं रह गई लोगों को। ठीक है, तो क्षेत्र बढ़ गया वहाँ पर, तो अब एक तरह से वो महाराष्ट्र के टक्कर में प्याज पैदा होने लगी एमपी में। ठीक है जी, लेकिन बस यही है कि क्वालिटी की वजह से या किस वजह से या क्यों क्वालिटी वहाँ की बिगड़ती है वो मार खा जाती है। ठीक है जी, राजस्थान ने क्वालिटी अब की बार महाराष्ट्र के बराबर की तैयार कर दी थी जो पीछे सीजन गया जी अभी? नहीं जी, देखो जी राजस्थान की आप एक चीज़ ये समझ लीजिए, ये तीन चार साल हो गया राजस्थान में जब से ये पीली पत्ती प्याज पैदा करने लगे ना गर्मी में, ये कुचामन वाले वो नासिक के टक्कर की ही प्याज बिकती है एक्चुअल में। वो पीली पत्ती की प्याज में उसमें क्या है कि वो भी यही हल्के गुलाबी पिंक कलर की प्याज होती है, और क्योंकि उसका साइज ना ज़्यादा मोटा होता है ना छोटा, मतलब साइज भी ठीक होता है, मीडियम साइज होती है, लेकिन पत्ती बहुत मजबूत होती है और प्याज भी ठोस होती है। बस मैं तो ये कहूँगा जी आप ब्राह्मण देवते हैं, ऐसा सीजन का ऐसा सिस्टम चला भी है, सारा सीजन ठीक ठाक निकल जाए। नहीं, सीजन तो ठीक ही निकलेगा, लास्ट कट्टा भी है ना जो पुराने प्याज का, नहीं, नहीं, लास्ट गाड़ी है वो भी ठीक निकल जाएगी। वो तो मैंने आपको पहले बताया कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, कि कोई घबराहट वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मान लो साउथ की क्रॉप अच्छी निकल भी गई तो ये भी नहीं है कि कोई मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा जी, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन जो लोगों के दिमाग में तेजी है वो अगर अच्छी क्रॉप वहाँ की अच्छी निकल गई तो वो नहीं रहेगी मार्केट पे जो है जैसे चल रही है लगभग ऐसे ही दो चार। अच्छा, अच्छा, जो चलती रहेगी तेजी सोच के बैठे महातेजी, हाँ वो नहीं रहेगी तेजी, नहीं जी महातेजी। हाँ महातेजी तो मैंने आपको पहले बताया, महातेजी तो किसी को सोचनी नहीं चाहिए क्योंकि अब वो महातेजी वाला युग नहीं रहा प्याज का। ठीक है जी, क्योंकि वो महातेजी वाला युग इसलिए नहीं रहा क्योंकि जैसे बताया ना आपको कि 50-60 रुपए से ऊपर प्याज जाते तो कई जगहों से प्याज या आनी चालू हो जाएगी। अब डायरेक्ट पाकिस्तान से हमारा व्यापार नहीं है, लेकिन देखो इधर उधर से घूम फिर के अब जैसे
यहाँ जिसमें प्याज की पाकिस्तान में शॉर्टेज थी, डायरेक्ट पाकिस्तान प्याज नहीं जा रही थी, वो आया दुबई के रास्ते, प्याज पहुँच ही रही थी हमारी प्याज वहाँ तक। ठीक है जी, तो ऐसे ही है, तो प्याज कहीं ना कहीं से आ जाती है। तो महातेजी वाली बात तो सोचनी नहीं चाहिए, ये जुग ही नहीं रहा, अब टाइम नहीं रहा वो महातेजी वाला। ठीक है जी, लेकिन हाँ ये है कि कुल मिला के ठीक रहेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस बार जितना अगर मान लो साउथ की क्रॉप अच्छी निकल भी गई तो राजस्थान तब तक ये अगस्त अगस्त में लगभग निपट जाएगा, बहुत कम रह जाएगा। आपके एमपी का भी जो लोग ज़बरदस्ती मान लो अभी कह रहे हैं कि हाँ पता नहीं है कितनी प्याज है कितनी प्याज है, तो वो जो ज़्यादा जो प्याज की क्वालिटी दिख रही है, जो ज़्यादा ज़्यादा रोकेंगे वो वहीं अपना उसका वो रुपये का उठाना कर लेंगे। ठीक है, माल का ही तो जो कुछ रहेगा वो महाराष्ट्र और साउथ ही रहेगा। तो इसलिए कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं कोई लग रहा है कि कोई अगर साउथ की तरफ बहुत अच्छी निकल गई कोई बहुत मंदा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट स्टैंड रहेगी, कोई घबराने वाली बात नहीं, दो चार रुपए ऊपर नीचे एक अलग चीज है। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर, आरसी ट्रेडर्स, दुकान नंबर 991 सब्जी मंडी आजादपुर, फोन नंबर 3738, मोबाइल नंबर है 9810 15739। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। अशोक, लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो देख के फिर उसमें से नंबर लेके फिर बार बार फ़ोन करते हैं, वही चीज़ जो हमने वीडियो में बताया वही चीज़ तो हम आपको फ़ोन पे भी बताएंगे। तो जो आपने वीडियो में सुन लिया तो उसके लिए बार बार फ़ोन करने खाली पूछने के लिए कि आज ये क्या मार्केट है, तो आपका मैं वीडियो देखता हूँ जी, मैंने वीडियो आपका देखा जी क्या रेट है, तो रेट तो आपको मैंने वीडियो में बता ही दिया है। तो वो बात करना चाहा जी, दिल हल्का करना चाहा। अच्छा ठीक, अच्छी बात है, लेकिन अभी क्या है जैसे सवेरे का टाइम, इसमें तो चलो अभी इसमें चलो नहीं है रस तो ठीक है, लेकिन आदमी इसमें जिसमें ग्राहकी में होता है या काम में होता है तो बार बार फोन आते हैं, तो फिर आदमी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद।